अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैफ अली, इलम सीखो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बीकॉम पार्ट टू और उसका चैप्टर है कंसाइनमेंट अकाउंट। आज हम प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। राउफ एंड को ऑफ लाहौर कंसाइंड टू फरूक ऑफ गुजरात 60 बॉक्सेस ऑफ टॉयज एट रुपीज 400 पर बॉक्स। लाहौर के मिस्टर राउफ एंड को हैं, उन्होंने फरूक एंड को ऑफ गुजरात उनको 60 बॉक्सेस खिलौनों के कंसाइन किए हैं, यानी कि कंसाइनमेंट पे भेजे हैं, जिनमें से हर एक की कीमत 400 रुपये है। द कंसाइनर पेड कैरेज एंड इंश्योरेंस ऑफ रुपीज़ 2000। कंसाइनर ने यानी कि राउफ एंड को ने इंश्योरेंस और कैरेज पे किया है 2000 रुपये। फरूक सेंट रुपीज़ 10,000 एज एडवांस पेमेंट। फरूक ने एडवांस पेमेंट भेजी है 10,000 रुपीज़। राउफ एंड को रिसीव्ड एन अकाउंट सेल्स फ्राम फरूक कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ग्रॉस सेल्स प्रोसीड्स आर रुपीज़ 34,000। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस रुपीज़ 1,500। कमीशन एट 15% ऑन ग्रॉस प्रोसीड्स। राउफ एंड को रिसीव्ड बैंक रेमिटेंस फॉर द बैलेंस ड्यू फ्राम फरूक ऑन द कंसाइनमेंट। Pass the journal entries and the necessary ledger accounts in the books of consignor and consignee. हमने journal entries करनी है दोनों के journals में और necessary ledger accounts बनाने हैं। तो सबसे पहले हम consignor यानी कि Rauf and Co. के journal में entries करेंगे। पहली entry होगी जब ये goods consign करेगा, तब entry होगी by consignment account debit to goods sent on consignment account credit, और इसकी नरेशन लिखेगा ये बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू फरूक रुपीज़ 24,000 डेबिट एंड 24,000 क्रेडिट। एक बॉक्स की कीमत 400 रुपये थी और 60 बॉक्सेस थे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24,000 हो जाएगा। नेक्स्ट ये एंट्री करेगा जब ये एक्सपेंसेस पे करेगा, जब कंसाइनर एक्सपेंसेस पे करेगा तो वो कंसाइनमेंट को चार्ज करेगा, तब ये एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट बीइंग कैरिज एंड इंश्योरेंस पेड, ये इसकी नरेशन होगी रुपीज़ 2000 डेबिट एंड 2000 क्रेडिट। नेक्स्ट ये एडवांस रिसीव कर रहा है फरूक से, तब ये एंट्री करेगा बीइंग कैश अकाउंट डेबिट टू फरूक अकाउंट क्रेडिट बीइंग एडवांस रिसीव फ्राम फरूक रुपीज़ 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट। इसके बाद जब सेल होगी तब ये एंट्री करेगा फरूक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। फरूक को डेबिट किया है कि उसने फरूक से पैसे लेने हैं, अपना डेटर बना लिया और कंसाइनमेंट सेल हो गई है, इसलिए कंसाइनमेंट को अब क्रेडिट कर दिया है। बीइंग कंसाइनमेंट सोल्ड बाय फरूक रुपीज़ 34,000 डेबिट एंड 34,000 क्रेडिट। नेक्स्ट ये रिकॉर्ड करेगा जो उसके एक्सपेंसेस हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसेज चार्जेस। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू फरूक अकाउंट क्रेडिट बीइंग ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस आर पेड बाय कंसाइनी रुपीज़ 1,500 डेबिट एंड द सेम अमाउंट विल बी क्रेडिटेड। इसके बाद अब कमीशन की आगे बारी, कमीशन चार्ज होगी 15% पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू फरूक अकाउंट क्रेडिट, ये इसकी नरेशन होगी बीइंग कमीशन ऑन सेल ऑफ कंसाइनमेंट। कमीशन की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 34,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, 5,100 कमीशन की अमाउंट है। नेक्स्ट एंट्री होगी जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाएगा और उसके ऊपर पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज़ 1,400 डेबिट एंड 1,400 क्रेडिट, और ये अमाउंट्स हमें कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाने के बाद पता चलती हैं। नेक्स्ट एंट्री होगी गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये कंसाइनमेंट की क्लोजिंग एंट्री है रुपीज़ 24,000 डेबिट एंड 24,000 क्रेडिट, ये सेम उसी अमाउंट के साथ पास की जाती है जिसके साथ पहली एंट्री पास की जाती है। लास्ट वन एंट्री है जब ये रिमेनिंग अमाउंट्स रिसीव होंगी तब ये एंट्री करेगा बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू फरूक अकाउंट क्रेडिट बीइंग द बैलेंस रिसीव्ड फ्रॉम
Farooq, rupees 17,400 debit and 17,400 credit. और ये अमाउंट्स हमें कंसाइनी के अकाउंट से पता चलती हैं जब हम कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे. सबसे पहले अब हम बनाएंगे कंसाइनमेंट का अकाउंट, क्योंकि हमने फाइंड करना है प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है. तो जिधर जिधर कंसाइनमेंट डेबिट हुई है उसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जहाँ जहाँ क्रेडिट हुई है उसे हम क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर देंगे. सबसे पहले कंसाइनमेंट डेबिट हुई थी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वजह से. नेक्स्ट ये डेबिट हुई थी कैश की वजह से, जब एक्सपेंसेस पे किए थे 2000, और उसके बाद एक्सपेंसेस थे फारूक के रुपीज़ 1500, एंड देन कमीशन जब चार्ज की गई थी वो भी कंसाइनमेंट को ही चार्ज की गई थी रुपीज़ 5100. और ये प्रॉफिट एंड लॉस है, जब इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास 34,000 आ जाएगा. क्रेडिट ओनली वन टाइम हुई थी जब इसको सेल किया गया था, कंसाइनमेंट सेल हुई थी तब कंसाइनमेंट क्रेडिट हो गई थी, तो फरूक डेबिट हुआ था. अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस ठीक भी है या नहीं. क्रेडिट हुई थी 34,000 से, इसमें से हम लेस करते हैं 24,000 लेस 2,000 लेस 1,500 लेस 5,100, तो ये हमारे पास 1,400 प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट. अब हम बनाएंगे फारूक का अकाउंट. जहाँ जहाँ फारूक डेबिट हुआ है उसे हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और जिधर जिधर वो क्रेडिट हुआ है उसे हम क्रेडिट साइड पर पोस्ट करेंगे. सबसे पहले फारूक डेबिट हुआ था सिर्फ एक एंट्री में, जब कंसाइनमेंट सेल हुई थी. कंसाइनमेंट अकाउंट रुपीज़ 34,000, इसका हम टोटल करेंगे तो 34,000 ही आएगा. क्रेडिट सबसे पहले हुआ था जब उसने एडवांस भेजा था 10,000 रुपीज़, कैश अकाउंट एडवांस रुपीज़ 10,000. नेक्स्ट जब इसने कंसाइनमेंट पे ऊपर अखराजात किए थे 1,500 ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग के, कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसिव रुपीज़ 1,500. उसके बाद ये क्रेडिट हुआ था जब इसने कमीशन चार्ज की थी रुपीज़ 5,100, एंड देन ये क्रेडिट हुआ था जब इसने रिमेनिंग पैसे भेजने हैं. ये कंप्लीट हो गई है कंसाइनमेंट, जहाँ जहाँ ये डेबिट हुआ था जहाँ जहाँ ये क्रेडिट हुआ था. अब हम देखते हैं कितना बैलेंस इससे आना है. डेबिट हुआ था 34,000 से, और क्रेडिट हुआ है एक दफ़ा 10,000 से, देन 1,500, और फिर 5,100 से. 17,400 रिमेनिंग बैलेंस है जो हमने लास्ट एंट्री में रिकॉर्ड किया था. बैंक अकाउंट बैलेंस 17,400. और एंड पे हम बनाते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुई थी लास्ट एंट्री में, जब ट्रेडिंग अकाउंट की वजह से जब इसकी क्लोजिंग हुई थी, और क्रेडिट हुई थी फर्स्ट वन में कंसाइनमेंट अकाउंट रुपीज़ 24,000 थे, और इधर टोटल में 24,000 ही आएगा. अब हम एंट्रीज करेंगे फारूक यानी कि कंसाइनी के जर्नल में. ये सबसे पहली एंट्री तब करेगा जब ये एडवांस पे करेगा, क्योंकि जब ये रिसीव करता है कंसाइनमेंट को तब कोई भी एंट्री ये नहीं पास करता, ना तो ये इसकी मलकियत होती है और ना ही इसकी लाइबिलिटी होती है, ये एज एन एजेंट काम कर रहा होता है. तो सबसे पहली एंट्री करेगा जब ये एडवांस पे करेगा, तब ये राउफ एंड को डेबिट कर देगा और कैश को क्रेडिट करेगा. एंट्री होगी बाय राउफ एंड को डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट बीइंग एडवांस सेंट टू राउफ एंड को रुपीज़ 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट. नेक्स्ट एंट्री होगी जब ये सेल करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राउफ एंड को अकाउंट डेबिट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर रुपीज़ 34,000 डेबिट एंड 34,000 क्रेडिट. इसके बाद ये अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेगा राउफ एंड को डेबिट, क्योंकि राउफ से पैसे लेने हैं, एंड कैश अकाउंट क्रेडिट कैश पे कर दिया गया है एक्सपेंसेस की वजह से. बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनर्स बिहाफ, ये कंसाइनर के बिहाफ पे एक्सपेंसेस हुए हैं रुपीज़ 1500 डेबिट एंड 1500 क्रेडिट. इसके बाद ये अपनी कमीशन का रिकॉर्ड करेगा राउफ एंड को अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट बीइंग कमीशन ऑन सेल, ये इसकी नरेशन होगी रुपीज़ 5100 डेबिट एंड 5100 क्रेडिट. लास्ट वन होगी जो रिमेनिंग बैलेंस ये सेंड करेगा उसका भी रिकॉर्ड करेगा कि जितने पैसे रहते थे वो भी भेज दिए हैं. राउफ एंड को अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट बीइंग रिमेनिंग बैलेंस रिमिटेड, ये इसकी नरेशन होगी रुपीज़ 17,400 डेबिट एंड 17,400 क्रेडिट. और ये सिर्फ और सिर्फ
कंसाइनर का अकाउंट बनाएगा, कंसाइनमेंट का इससे कोई लिंक नहीं है। तो राउफ एंड को जहाँ जहाँ डेबिट हुआ है उसे हम डेबिट साइड पर पोस्ट करेंगे और जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ है उसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेंगे। राउफ सबसे पहले डेबिट हुआ था जब उसे एडवांस भेजा गया था 10,000 रुपीज़, उसके बाद ये डेबिट हुआ था एक्सपेंसेस जब पे किए गए थे 1,500, और फिर ये कमीशन की वजह से डेबिट हुआ है। और उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस था बैंक अकाउंट वो रिमिट किया और इनका टोटल 34,000 हो गया। और क्रेडिट सिर्फ एक दफ़ा हुआ था जब इसको सेल किया गया था कंसाइनमेंट को, तब रोफेंड को क्रेडिट हो गया था और कैश डेबिट हो गया था 34,000 से। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।